दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं होर्स की कहानियाँ, एक सच्ची डरावनी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। मदन, उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वे दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं लेकिन यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। ये कहते हुए वे दोनों रोड पर आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में आपको पहले कभी देखा नहीं, नए नए आए हैं क्या? जी हाँ, हम इस शहर में नए आए हैं, यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते। शोभा और मदन ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया, जी मेरा नाम रफीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता तब तक। और वह शोभा की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब कोई किसी को पूछता तक नहीं है। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। यह कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कहते हुए रफीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ये जगह मुझे सही लग रही है, चलिए ना हम कहीं और चल कर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की, उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर ही शक कर रही हो, मदन थोड़ा गुस्से में आकर बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को आखिर कैसे समझाएं, क्योंकि बस वही रफीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफीक के गुण गाते थक नहीं रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकली चीज महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली, उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहां और कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था जो इंसान तो बिल्कुल ही नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देखकर शोभा डर से थर थर कांपने लगी और चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मदन की भी आंखें खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा? बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक ने मदन के पास बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया, रफीक ने कहा। शोभा अब इतनी डर चुकी थी कि अब वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ अपने गहने भी साथ में ले आना। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपनी सूझबूझ ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा, उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफीक अपने बिस्तर पर था। मदन बहुत घबरा गया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग भी इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी
दो दिन पहले इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। ये सब कहते हुए मदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो वह किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलट कर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात करने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा है? फिर सभी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं, और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिस छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था, ना ही कोई सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई और रास्ता। तो अब शोभा ऊपर गई कैसे? दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँच सकें।